नमस्कार सभी को, मैं दीपक सर, स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थशास्त्र, आपको नाइन्थ क्लास की अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहा हूँ। नाइन्थ क्लास की इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे आज। ये पहला वीडियो होगा, चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले जान लीजिए कि आपको सामाजिक विज्ञान यानी अपनी सोशल साइंसेज में कौन कौन सी सोशल साइंसेज इस बार क्लास नाइन्थ में पढ़नी है। पहला इतिहास में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे भारत और समकालीन विश्व भाग एक, इसका भाग दो आप टेंथ में पढ़ेंगे क्लास टेंथ में। दूसरी बुक रहेगी आपकी भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, उसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत भाग एक। सिविक्स की तीसरी किताब होगी आपकी सिविक्स की पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की, उस किताब का नाम रहेगा आपका लोकतांत्रिक राजनीति भाग एक। और चौथी किताब है आपकी इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट वन, तो अर्थशास्त्र की किताब है, उसमें आर्थिक विकास की समझ भाग एक आप पढ़ेंगे। इसमें तो आगे शुरू करने से पहले कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर वन यानी अध्याय एक शुरू करेंगे, पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जैसे ये किताब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और पढ़ सकते हैं, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जगह जगह पे, इंग्लिश में भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप देख सकते हो, जो इंग्लिश में जहाँ पढ़ना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले अवलोकन देखेंगे, अवलोकन यानी ओवरव्यू कि इस कहानी में आप क्या पढ़ेंगे, इस कहानी का क्या उद्देश्य है। तो अर्थशास्त्र किताब जो है इसका पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो गांव पालमपुर की कहानी यहाँ बताई जा रही है, ये गांव काल्पनिक यानी इमेजिनरी है, हमने अज्यूम किया हुआ है ये गांव, रियलिटी में ये गांव नहीं है, किसी जगह का ये नाम हो सकता है, लेकिन बुक में आपको काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी बताई जा रही है। काल्पनिक यानी इमेजिनरी गांव है ये, हमने इमेजिन किया हुआ गांव है, ठीक है। तो पालमपुर गांव की कहानी, इसमें हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि किस तरह से हमें ये देखना होगा कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन कैसे होता है, और उत्पादन को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए रहती हैं। तो अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से जो रहते हैं चीज़ें जिनको हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन यानी उत्पादन को स्टडी कर रहे हो। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कर्सर है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ही की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो पालमपुर गांव है, वहां की मेन एक्टिविटी लोग क्या करते हैं, किस काम में सारे एंगेज रहते हैं, खेती में एंगेज रहते हैं, फार्मिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं फार्मिंग करते हैं, और कुछ लोग जो हैं दूसरी क्रियाएं यानी एक्टिविटीज़ करते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण जो स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, जैसे पशुपालन होता है और पशुओं को जहाँ पाला जाता है, डेयरी दुधारू पशु होते हैं जो उनको पाला जाता है डेयरी में। परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, सामान को लाना ले जाना, तो परिवहन ये अलग क्रियाएं हैं, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग खेती में काम कर रहे हैं पालमपुर गांव में।
तो यहाँ बात ये आ रही है कि उत्पादन उत्पादन की क्रियाएं जो प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये वर्ड्स बार बार आएंगे। संसाधन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हो गया, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। तो अब प्रोडक्शन अगर उत्पादन करना है उसके लिए अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, और कुछ मानव निर्मित वस्तुएं जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए होते हैं। ह्यूमन प्रया यहाँ पे मानव प्रयास की बात हो रही है, हाईलाइट किया मैंने, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मानव प्रयास हो गया जो ह्यूमन एफर्ट्स रहते हैं, हम खुद एफर्ट करके प्रयास करके चीज़ें बनाते हैं। मुद्रा हो गई, मनी को बोलते हैं, पैसे को बोलते हैं मुद्रा, ठीक है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है प्रोडक्शन के लिए, संसाधनों की आवश्यकता रहती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ये ज्ञान होगा कि किस तरह से प्रोडक्शन की जाती है, और प्रोडक्शन अगर हमें उत्पादन करना है तो हमें कौन कौन सी सेवाएं चाहिए होंगी, कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए होंगी, तो कौन कौन से संसाधन हमें चाहिए होंगे, और हम उन सभी को मिलाकर समायोजित किस तरह से उनको करते हैं और उत्पादन करते हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब परिचय पे आते हैं, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन परिचय किसका, पालमपुर गांव का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो पालमपुर जो गांव है ये काफ़ी अच्छी ऑल वेदर रोड सड़क जो है, हर मौसम में जिस सड़क पे चला जा सकता है, ऐसे सड़क से जुड़ी हुई है। यानी बारिश होगी अगर तब भी उस सड़क से ये आ जा सकें सकते हैं लोग। तो एक अच्छे रोड के साथ ये गांव जुड़ा हुआ है। इसके पास ही एक गांव है जिसका नाम रायगंज है। तो ये पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है। तो आगे भी आप इसका जिक्र होगा रायगंज का, तो आपको याद रहना चाहिए। तो रायगंज जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और थोड़ा आगे उसके थोड़ी दूरी पर ही रायगंज के आगे छोटे कस्बे, अच्छा हाँ शाहपुर, उसके शाहपुर उसी में उसी के साथ है, ठीक है। छोटा कस्बा, कस्बा क्या हो गया, टाउन हो गया, जो सिटी से छोटा होता है, ठीक है। तो शाहपुर से जोड़ती है ये सड़क। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बगदी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो ये जो सड़क जोड़ती है पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से, तो इस सड़क पर हम देख इस सड़क पर गुड़ हो गए से लदी बैलगाड़ियाँ, है ना, तो शुगर केन जो होता है, गुड़ जैगरी जिसको बोलते हैं, तो वो बैलगाड़ियाँ देख सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल हमारे ट्रांसपोर्ट के सोर्स होते थे, अभी भी लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, तो बैलगाड़ियाँ हो गई। और जो आधुनिक हैं आज हम यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक, ये इस रोड पर चलते हैं। इसका व्यू भी आपकी NCERT में दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आगे हम इसका दूसरा पैरा देख रहे हैं अभी। इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 450 परिवार रहते हैं इस गांव में। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो उच्च जाति के जो हाई कास्ट के लोग को कितने हैं, 80 परिवार हैं, 80 फैमिलीज हैं जो हाई कास्ट के हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, यानी उनके मकान जो हैं वो पक्के मकान ही हैं। तो उसके बाद आती हैं अनुसूचित जाति, यानी शेड्यूल कास्ट जो लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं, दलित भी बोलते हैं उनको। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का एक तिहाई है।
एक तिहाई है, अंडरलाइन है, एक तिहाई मतलब लगभग 33% है। 33% गांव में शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटी घर छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। तो जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 33% हैं। ये आपने फैक्ट्स जो हैं साथ साथ में कॉपी पे नोट भी करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से नोट भी करना है। तो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो 33% हैं और गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। तो जनरली यही देखा जाता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वो गांव के किसी दूरदराज के कोनों में ही मैक्सिमम देखे जाते हैं, और उनके घर जो हैं वो मिट्टी और घास वगैरह के ही बने होते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। अब ये एक अच्छी बात है पालमपुर में कि सभी घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो जो गांव में जो नलकूप हैं, ट्यूबवेल्स जो होते हैं, तो वो बिजली से ही चलते हैं और उनका उपयोग छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो बिजली है तो बिजली से जो है नलकूप चलते हैं और इस तरह से वो सिंचाई भी करते हैं। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है सामने, ये एक गांव का दृश्य है। तो गांव में आप देख रहे हो जैसे सड़क पे बैलगाड़ी भी है, पीछे उसके ट्रैक्टर है ना। तो ये दृश्य है गांव का और आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है, जो प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे उसको बेचने के लिए लिया जाता है। तो अब हम पालमपुर गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गांव में बिजली है, सभी घरों में है और हमने देखा कि नलकूप लगे हुए हैं जिससे सिंचाई होती है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं ये इस तरह हम पढ़ रहे हैं। तो गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल हैं दो गांव में, और एक हाई स्कूल है, 10th तक हाई स्कूल होता है, ठीक है। तो एक हाई स्कूल है गांव में, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। तो गांव में क्या क्या है, और 2 प्राथमिक विद्यालय, 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल है, एक ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं, ये गांव में होता है, निश्चित कोई आबादी होती है उस पर ये खुलता है, हॉस्पिटल से छोटा होता है, और एक निजी औषधालय, एक प्राइवेट क्लिनिक भी है यहाँ पे पालमपुर में, यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। सर अभी ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है, ब्लू आपको दिख रहा है। तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जनरली फैक्ट्स दिए हुए हैं। आपको ये बॉक्सेस जो किताबों में दिए रहते हैं अलग कलर में, इनको भी पढ़ना होता है। एक एक नंबर, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इधर से ही आता है। उपर्युक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो ये एक्टिविटी भी है कि आपको जो करनी है, आपको पता है आपका गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो पालमपुर की सुविधाओं के बारे में आपने पढ़ा, सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज जो भी उस गांव में हैं, अच्छी सड़क है ना, और साथ में जो सिंचाई के साधन भी हैं, लोग सिंचाई करते हैं नलकूपों से, सभी के घरों में बिजली भी है, एक बिजली भी फैसिलिटी होती है, ठीक है। परिवहन के साधन हैं, लोग सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह, बैलगाड़ियाँ वगैरह सब हैं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलेंगे जो हमने पढ़ा।
अभी तो प्राइवेट जहाँ क्लिनिक है ये सारी सुविधाएं हैं, तो उनका कंपैरिजन आपको करना है अपने गांव के साथ, जहाँ अपने निकट के गांव के साथ, ठीक है? तो तुलना करनी है आपको और आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है? आगे चलते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। तो हमने काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी लिया हुआ, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि कोई भी गांव की अगर आप कहानी ले लेंगे तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ, उनके बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरह से उत्पादन होता है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। तो गांव में, जो भारत के गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं, खेती उत्पादन ही एक प्रमुख गतिविधि है जिसमें एंगेज हैं। फार्मिंग करते हैं लोग, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है? तो एक हो गई फार्मिंग, फार्म एक्टिविटीज़ जो होगी खेती से संबंधित, और दूसरी होगी गैर कृषि क्रियाएँ। गैर कृषि क्रियाएँ मतलब नॉन फार्म, जो खेती से अलग होती हैं। और खेती से अलग जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है नीचे, लघु विनिर्माण हो गया, ठीक है, स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हो गया, परिवहन हो गया जो ट्रांसपोर्ट वगैरह सामान लाना ले जाना, परिवहन हो गया, दुकानदारी, ठीक है, आदि शामिल हैं। तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, ठीक है? तो ये जो फार्म जहाँ खेती वाली और गैर कृषि क्रियाएं नॉन फार्म, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पादन के बारे में हम जान लेते हैं। अब हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उत्पादन किया जाता है। तो आपकी हेडिंग है उत्पादन का संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में कहेंगे। उत्पादन का संगठन यानी आपको उत्पादन अगर प्रोडक्शन करनी है तो कौन कौन सी जो चीज़ें होंगी उनको आपको मिलाना पड़ेगा तो आप उत्पादन कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो शुरू से पढ़ते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं। तो उत्पादन हम क्यों करते हैं, बाय वी प्रोड्यूस। तो उत्पादन का उद्देश्य वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना होता है। वस्तुएं हो गई गुड्स, चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ भी हो सकती हैं, आपके पेन कॉपी, ये सभी चीज़ें हैं। और सेवाएं होती हैं, सेवाओं का उत्पादन, जैसे सेवाएं से आप क्या समझते हो, जैसे बैंकों की सेवाएं होती हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, परिवहन सेवाएं, ये सभी सेवाओं में आता है। तो उत्पादन का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता है। तो उत्पादन के लिए हमें सेवाओं और वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन के लिए हमें, प्रोडक्शन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं। ये चार चीज़ों को हम आप आगे भी पढ़ेंगे, ये आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, अगर आगे अगर आप इस विषय को लेते हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है इनको। पहली आवश्यकता है भूमि। अब पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, चार चीज़ों में सबसे पहले आता है भूमि, पहली आवश्यकता है भूमि, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। अब यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि भूमि में, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं आप, इकोनॉमिक्स में भूमि, लैंड में क्या क्या आ जाएगा, लैंड में सिर्फ जो आपको ज़मीन दिखती है सिर्फ वो नहीं आता, लैंड में दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वन हो गए, खनिज हो गए, मिनरल्स वगैरह, फॉरेस्ट, तो ये वाटर, ये सभी आते हैं लैंड में। तो ये डेफिनेशन आपने लैंड की, भूमि की याद रखनी है, क्या क्या आता है उसमें, भूमि
में अन्य प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं। दूसरी आवश्यकता है श्रम। अब पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहला कौन सा हो गया, भूमि, और दूसरा है श्रम। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए, उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता कौन सी है, श्रम यानी लेबर। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो दूसरा जो हमें फैक्टर, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए उत्पादन के लिए वो है श्रम यानी लेबर। तो लेबर में अब दो तरह के लोग आते हैं, एक तो जिनके पास स्किल होता है और ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं यहाँ पे लेबर जो हमें पढ़े लिखे चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं यहाँ पे शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक हमें चाहिए होते हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन के काम में देखते हैं तो वहाँ शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मशीन्स अगर चलानी हैं तो उसके लिए पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत रहती है। जैसे साथ में आपको पिक्चर दिख रही है तो यहाँ पे स्किल्ड पढ़े लिखे थोड़े कर्मी की ज़रूरत चाहिए होती है जो चला सके मशीन को। तो ये आ गया अब दूसरा फैक्टर, दूसरी चीज़ जो हमें उत्पादन के लिए चाहिए होती है। अब नेक्स्ट पैरा देख रहे हैं आप, तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी का अर्थ होता है कि जो हमें पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल जो हमें चाहिए होती है उत्पादन, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। तो उत्पादन के लिए हमें, उत्पादन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे आगत इनपुट्स की ज़रूरत रहती है। इनपुट्स में जैसे रॉ मटेरियल आ जाता है, या मशीन्स आ जाती हैं, या बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो वो सभी हमें पहले इन्वेस्ट करना होता है। भौतिक पूंजी तीसरी आवश्यकता है उत्पादन के लिए। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, आप कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भौतिक पूंजी में आती हैं, फिजिकल कैपिटल में आती हैं? तो पहला जैसे क में है औजार, मशीन, भवन, ग्रीन से मैंने अंडरलाइन किया भी है। तो पहला आता है औजार, मशीन और भवन, जो भी टूल्स या मशीन्स या बिल्डिंग्स वगैरह ये सब जो हैं ये भौतिक पूंजी में आते हैं, फिजिकल कैपिटल में आते हैं। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। तो औजार सिंपल भी हो सकते हैं और थोड़े सॉफिस्टिकेटेड भी होते हैं। परिष्कृत मशीनें सॉफिस्टिकेटेड मशीनें भी होती हैं जैसे कंप्यूटर, टरबाइन, जनरेटर, जो और ये जो हैं ये परिष्कृत मशीनें हैं, सॉफिस्टिकेटेड मशीनें हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब स्थायी पूंजी मैंने अंडरलाइन किया रेड से नीचे, देख रहे हैं आप, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं इसको, स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी यानी जो हमने बिल्डिंग अगर हमने प्रोडक्शन करनी है, उत्पादन करना है, एक बार बिल्डिंग बना दी तो वो फिक्स्ड कैपिटल में आती है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार हमने मशीन खरीद ली, दो रोज़ रोज़ मशीन थोड़ी खरीदेंगे हम, प्रोडक्शन कोई भी करेंगे, बिल्डिंग बना ली हमने, इम्प्लीमेंट्स खरीद लिए तो वो एक बार खरीदे जाते हैं, इसीलिए जहाँ काफ़ी टाइम तक के लिए हम उनको प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। तो एक प्रश्न बनता है स्थायी पूंजी कौन सी होती है, स्थायी पूंजी में क्या क्या आता है? तो आपको स्थायी पूंजी में नोट करना है और लिखना है कि स्थायी पूंजी में क्या क्या आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है भौतिक पूंजी में औजार, मशीन और भवन यानी टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग। आगे चलते हैं, अब भौतिक पूंजी में दूसरा आता है खप, देख रहे हैं आप, ग्रीन से अंडरलाइन किया है मैंने, कच्चा माल और नगद मुद्रा यानी जो रॉ मटेरियल होता है और पैसा जो होता है, मनी इन हैंड। तो ये चीज़ें आते हैं फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी, इसमें फिजिकल कैपिटल में यानी
भौतिक पूंजी में। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा में क्या क्या है, जैसे उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो रॉ मटेरियल जैसे आप देख रहे हैं, हमें उत्पादन अगर अगर कुम्हार जो है उत्पादन अगर बर्तनों का करता है, मिट्टी के बर्तनों का, तो उसको मिट्टी ऐसे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल की तरह कच्चे माल के रूप में उसको मिट्टी चाहिए। और अगर बुनकर ने अगर कपड़ा बनाना है तो उसके लिए उसको सूत चाहिए, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल की एग्जांपल्स होती हैं, यहाँ पे सूत और मिट्टी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब ये हो गया रॉ मटेरियल, अब नगद मुद्रा की बात हो रही है, जो मनी इन हैंड है। अब हमें कच्चा माल अगर ख़रीदना है तो उसके लिए हमें पैसों की भी तो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कैपिटल की ही बात हो रही है यहाँ पे, भौतिक पूंजी की बात हो रही है, तो फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है, तो कैपिटल में पैसा भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ ख़रीदना है, तो रॉ मटेरियल ख़रीदना है, कच्चा माल खरीदना है, तो उसके लिए हमें पैसे मुद्रा चाहिए होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो आपने पहले फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा, अब वर्किंग कैपिटल यानी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो इनमें क्या क्या अंतर है ये भी आप देख पाएंगे, और इसके अंतर को भी आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कार्यशील पूंजी क्या होती है और स्थायी पूंजी क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती हैं, ठीक है। आगे हैं औजारों मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो जो वर्किंग कैपिटल है, तो ये उत्पादन के दौरान जब प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही होती है, तो ये चीज़ें जो हैं समाप्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़े टाइम के लिए होती है, जिसमें रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड आता है, इनको अगर खर्च कर दिया हमने, यूज़ कर लिया हमने ऐसे रॉ मटेरियल को, तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल जो है वैसे की वैसी रहती है। अब हमने लैंड पर लिया, ज़मीन, भूमि, ठीक है, पहला फैक्टर हमने भूमि पर लिया, दूसरा था श्रम लेबर, तीसरा हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी। अब ये तीन तो हो गए, लेकिन इन तीनों को एक साथ मिलाकर यूज़ करके ही प्रोडक्शन की जा सकती है। हमें लेबर भी है हमारे पास, अब उसके बाद हमारे पास लैंड है ना, अब फिजिकल कैपिटल भी है, लेकिन कोई चाहिए जो इन चीज़ों को सभी को यूज़ करे, ये अपने आप प्रोडक्शन नहीं करेंगी। तो एक चौथी आवश्यकता भी होती है, जैसे लास्ट पैरा में पढ़ रहा हूँ, एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो चौथी आवश्यकता है कि हम एंटरप्रेन्योर हम इसको बोलते हैं, पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा आ गया एंटरप्रेन्योर, उद्यम। तो यहाँ पे चौथी आवश्यकता ये है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन सभी को एक साथ करता है, प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो प्रोडक्शन जो है वो खुद बेशक उपयोग करनी हो, जो प्रोड्यूस जो है वो बेशक उसको ऐसे इनपुट हम खुद प्रोड्यूस किया हमने, जहाँ उसको हम खुद यूज़ कर रहे हैं बेशक, जहाँ बिक्री हेतु, जहाँ उसको सेल करने के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बेशक, तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ हमें ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। और इसको हम क्या कहते हैं आजकल, इसे हम मानव पूंजी कहते हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल में आता है स्किल्स, स्किल्ड, जो जिसके पास स्किल्ड लेबर हो गया, जहाँ जिसके पास स्किल है कुछ, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स से। जैसे आप सभी बच्चे ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स अगर आपको अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, स्किल दिया जा रहा है, तो आप ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, और आप प्रोडक्शन उत्पादन में एक
फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं। तो मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, तो यहाँ पे एक मनुष्य काम कर रहा है कारखाने में, मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। तो यहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो काम कर रहे हैं ये। आपने आपको ये खुद एक्टिविटी करनी है, आपने बताना है कि इसमें भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी कौन कौन सी हैं। तो जैसे लिखा है चित्र में, उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो आपने बताना है कि भूमि तो आपको दिख रही है, लैंड जो होगी वहाँ पे ये जो फैक्ट्री है ये बुना जा रहा है, ठीक है, कपड़ा बुना जा रहा है, जहाँ कुछ बुना जा रहा है, तो ये यहाँ पे लैंड पे ही रखा गया, तो ये भूमि हो गई। श्रम लेबर चाहिए, तो लेबर कौन है यहाँ पे जो इंसान आपको दिख रहा है काम करते हुए। और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए, स्थायी पूंजी क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड कैपिटल। स्थायी पूंजी यहाँ पे क्या है, मशीनें हैं, ठीक है, और बिल्डिंग जहाँ पे ये सारी मशीनें रखी हुई हैं और लोग काम कर रहे हैं वो स्थायी पूंजी में आता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सभी ध्यान देंगे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो जो हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें भूमि होगी, लैंड हो गई, लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, इनको हम एक साथ करके हम उत्पादन करते हैं और इन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, तो इनको ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्शन जो होती है इन्हीं सभी को एक साथ लगाकर प्रोडक्शन होती है, ठीक है, इनको उत्पादन के कारक कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्पादन के कारक को विस्तार से बताइए और एक एक कारक की चर्चा कीजिए, जहाँ उसकी डेफिनेशन भी बतानी है आपको, तो उस प्रश्न में तो आपको जैसे बताया मैंने तीन कारक और चौथा कारक जो है एंटरप्रेन्योर है, उद्यम, ठीक है, तो वो आपको आप बता सकते हो। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो हम अब एक एक जो फैक्टर है, कारक है प्रोडक्शन का, उत्पादन का, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और यहाँ पे भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल जो है उसको हम सिर्फ कैपिटल ही कहेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पालमपुर में खेती, तो खेती कहाँ होती है, भूमि पर होती है, ठीक है। तो एक एक फैक्टर को, एक एक कारक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ मैंने, पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है। तो पहला आ रहा है भूमि स्थिर है, भूमि स्थिर है मतलब कि जो लैंड जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेतों पर निर्भर हैं, वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। तो जैसे आपने पहले भी देखा, खेती जो है वहाँ पे एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर गांव में। तो काम करने वाले जो हैं, जो खेती करते हैं, वो कितने प्रतिशत लोग हैं, ये आपको नोट करना है, मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, 75%, 75% पीपल जो है उनका लाइवलीहुड जो है, जीविका जो है, खेती पर ही निर्भर है। अब होते हैं किसान, ठीक है, फार्मर्स होते हैं, और एक फार्मिंग एक्टिविटी होती है, नॉन फार्म एक्टिविटी होती है, फार्म और नॉन फार्म। यहाँ पे जैसे आपने देखा किसान, कृषि श्रमिक, मतलब दूसरा होता है कृषि श्रमिक, एक तो फार्मर खुद हो गए और एक कृषि श्रमिक होते हैं जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं। तो इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, एक तो हो गए फार्मर्स खुद और एक जो लेबर्स लगाए होते हैं उनको एग्रीकल्चरल लेबर्स, कृषि श्रमिक कहते हैं।
लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। तो जो कृषि है, ठीक है, उसमें हम अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते, भूमि जो है वो भूक्षेत्र जो रहता है, भूमि जो रहती है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, और हम भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। तो पालमपुर यहाँ हाईलाइट किया हुआ है जहाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो पालमपुर जो गांव है 1960 तक जितनी भूमि भर सकती थी, जो बंजर ज़मीन होती है जैसे, वहाँ पे भी जुताई करना शुरू कर दी, वहाँ पे भी जो है प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। तो वो 1960 तक जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी थी, विस्तार हो चुका था। उसके बाद जो है ज़मीन बिल्कुल भी पालमपुर में नहीं बढ़ी है, यानी अब ज़मीन जो पालमपुर के किसानों के पास है, जहाँ पालमपुर के गांव के लोगों के पास है, वो उतनी ही रहेगी। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब वो ज़मीन अब नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि जो बंजर ज़मीन थी उसको भी, जो कृषि योग्य बन सकती थी उसको बना लिया गया है। तो आगे पैराग्राफ आता है लाइट ब्लू में, तो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको देखिए, ध्यान दीजिए, देंगे सभी। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टर है, यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। तो लोकल जो मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, जहाँ कोई भी एरिया अलग अलग, हमारे इंडिया में हमारे भारत में जगह जगह पर अलग अलग तरह से खेती, सॉरी, इसको ज़मीन को मापने के लिए मेज़र यूज़ किए जाते हैं। तो बीघा है, गुंठा है, कनाल होता है, तो अलग अलग मेज़र हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेज़र जो ऑल इंडिया में, जहाँ जहाँ हमारे पूरे भारत में यूज़ किया जाता है, तो उसे हम हेक्टर कहते हैं। तो एक हेक्टर कितना होता है, एक हेक्टर मैंने हाईलाइट किया है, आप पढ़ सकते हैं, एक हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, मतलब 100 स्क्वायर मीटर जो होगी, जगह होगी 100 स्क्वायर मीटर, तो वो एक हेक्टर होगा। क्या आप एक हेक्टर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो आप अपने स्कूल के मैदान के बारे में सोचिए, तो 100 मीटर कितना होता है, 100 मीटर की रेस भी आपने की होगी, है ना, स्कूल में। तो आप सोचिए 100 स्क्वायर मीटर का क्या आपका स्कूल का मैदान है, आपका स्कूल का ग्राउंड है क्या, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगी कि 100 मीटर जगह कितनी होती है और एक हेक्टर कितना होता है, ठीक है। तो एक हेक्टर में कितनी ज़मीन होती है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये आइडिया होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप क्लासेस में जाएंगे तो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी, जहाँ अर्थशास्त्र को आगे पढ़ेंगे तो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी, एक हेक्टर में कितनी प्रोडक्शन होती है वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको हेक्टर पता होना चाहिए कि हेक्टर इतनी ज़मीन होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम भूमि पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो अब भूमि हमने देखा कि स्थाई है और बढ़ नहीं सकती। हमने पालमपुर की कहानी में हमने देखा कि 1960 तक जो जितनी भूमि बढ़ाई जा सकती थी बढ़ गई थी, आगे गुंजाइश भूमि के बढ़ने की कोई नहीं थी। तो अब हमारे पास भूमि जो है वो लिमिटेड है, क्या अब ये प्रश्न आता है कि उसी भूमि से हम ज़्यादा पैदावार क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसे जो आबादी है वो तो बढ़ ही रही है ना, तो ज़मीन तो उतनी बढ़ेगी नहीं आबादी के साथ, तो हमें उसी ज़मीन से ज़्यादा भी फसलें जो है उगानी पड़ती हैं, तो उगाई जा भी रही हैं। तो अब ये कैसे संभव है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे सभी, तो जैसे ब्लू में हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के
गांव की तरह लगता है। तो हम पालमपुर को यहाँ किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कोई गांव है उसकी तरह लगता है ये पालमपुर गांव, जिस तरह से फसलें पालमपुर में पैदा की जाती हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है कि पालमपुर में कितने किस किस तरह की फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। जैसे गांव में आप देखते हैं बहुत सारे गांव में फैलो लैंड होती है, बेकार भूमि छोड़ी होती है लोगों ने, ताकि वो अपनी उर्वरता वापस पा ले, तो फिर उसको जोता जाता है, वहाँ पे फसल उगाई जाती है। तो लेकिन पालमपुर गांव की कहानी कुछ ऐसी है कि वहाँ पे ज़मीन बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो खरीफ एक सीज़न होता है, ठीक है, तो बरसात के टाइम में ये सीज़न होता है। तो ज्वार और बाजरा दो तरह की फसलें हैं, ये उगाई जाती हैं और इनको एक चारे के तौर पर प्रयोग किया जाता है, फोडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। तो यहाँ पे कितने आपने वो देख लिए सीज़न, एक खरीफ देखा और एक रबी, ठीक है, दो सीज़न में क्या क्या, कौन से सीज़न में क्या क्या उगाया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है आपको। आपने ये नोट भी करना है कि खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं और रबी में कौन सी फसलें आती हैं, ये आपने कॉपी पे नोट करना है अपनी। और एक तीसरा सीज़न भी होता है ज़ैद, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो हम उत्पादन के बारे में ही समझना चाहते हैं। तो आपने देखा कि जो गेहूं है वो पालमपुर गांव के किसान जो हैं गेहूं अपने खाने के लिए रखकर बाकी गेहूं को रायगंज की मंडी में बेच देते हैं, तो उससे उनकी इनकम आती है, क्योंकि उनके लोगों का लाइवलीहुड जो है खेती पर ही निर्भर है। तो भूमि के एक बाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो शाहपुर आपने सुना था शुरू में, शाहपुर क्या है याद कीजिए, शाहपुर क्या है, एक कस्बा है, ठीक है, एक कस्बा है, एक टाउन है, वहाँ पे जो व्यापारी हैं गुड़ जो है वो वहाँ पर जाके अपना बेचते हैं, जैकरी वहाँ पे बेचते हैं। तो गन्ने की कटाई जो है वर्ष में एक ही बार होती है, और गन्ना जो है एक कमर्शियल क्रॉप है जिससे इनकम आती है, पैसे आते हैं। तो आगे चलते हैं, पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। तो पालमपुर में देखा था आपने, पहले भी पढ़ा कि वहाँ पे नलकूप लगे हुए हैं, उनसे जो है इरिगेशन की जाती है, बिजली की व्यवस्था है, वो बिजली से चलते हैं नलकूप। तो वहाँ पे किसान जो है एक सीज़न में तीन तीन फसलें उगा सकते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तो पहले किस जो जिस तरह से साधनों का इस्तेमाल किया जाता था और कि सिंचाई की जाती थी, अब वो पद्धति बदल गई। वो पद्धति क्या थी, तब तक किसान कुओं में रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। मतलब जो एरिया था इरिगेशन के अंडर जहाँ जो सिंचित किया जाता था जगह काफ़ी कम थी, और छोटे छोटे किसानों छोटे छोटे खेतों तक ही जो सिंचाई जो है किसान कर सकते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक की सिंचाई की जा सकती थी। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम,
ब्लू हाईलाइट आपको दिख रहा है। तो प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। पहले गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी थी, ठीक है, सरकार ने हेल्प की थी लोगों की वहाँ पे नल, वो बिजली से जो चलते हैं पंप जो वगैरह, तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे, सरकार ने दिए थे। तो उसके बाद लोगों ने अपने निजी प्राइवेट जो थे नलकूप वगैरह लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो 1970 के दशक, दशक क्या होता है, 10 साल का होता है, ठीक है, 10 साल के पीरियड को हम दशक कहते हैं, डिकेड कहते हैं इंग्लिश में। तो 1970 के दशक के मध्य, मध्य मतलब 1975, ठीक है, तो तब तक 200 हेक्टर जो भूमि थी वो सारी सिंचाई होने लगी थी उसमें। अब यहाँ पे ब्लू, लाइट ब्लू कलर में एक बॉक्स है आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सभी ध्यान देंगे। इस बॉक्स में फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है, जैसे पालमपुर में आप देख रहे हैं सिंचाई व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ पे हमारे हमारे देश में, हमारे इंडिया में हर जगह पर ऐसी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। नदी मैदानों हो गए, जैसे गंगा बेसिन का इलाका है जो, ठीक है, जहाँ गंगा के किनारे जो भी स्टेट्स आती हैं तो वहाँ पे अच्छी सिंचाई है। जहाँ तटीय क्षेत्र जो भी कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे जहाँ हैं, तो वहाँ पे जो है अच्छी सिंचाई है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। तो दक्षिणी पठार कौन सा आ गया, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में कौन से एरिया आते हैं, जैसे स्टेट्स आते हैं, जो भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया आता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, और कोस्टल एरिया को छोड़ दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश भी जो है ये दक्षिणी पठार में ही आता है और ये पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र क्या होता है, जनरली ये प्लेन एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है, तो पठारी क्षेत्र जो है यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, ठीक है। तो अभी भी हमारे देश में, हमारे जो भी कृषि क्षेत्र है हमारा, तो उसका सिर्फ 40% ही है जो उस पर सिंचाई, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे बॉक्स में मैंने हाईलाइट किया है, 40% जो एरिया है वो इरिगेटेड है, सिंचाई होती है इंडिया में इतने ही एरिया पे, और 60% जो एरिया है वो वर्षा पर ही निर्भर है, रेन फेड एरिया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसको भी आपने कॉपी में नोट करना है। तो आगे चलते हैं। अब जैसे हमने ये शुरू किया था, तो आप देख भी पा रहे हैं क्या एक ही भूमि पर पैदावार ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये पैरा हम पढ़ रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन, बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है उसकी बन जाती है, बहुविध फसल प्रणाली यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, बहुविध फसल प्रणाली, इसमें एक से ज़्यादा फसलें जो हैं हम उगाते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो किसान जनरली यहाँ पे पालमपुर में दो फसलें तो पैदा करते ही हैं, ठीक है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से लोग तीसरी फसल भी आलू के रूप में पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी फसल कौन सी उगा रहे हैं, आलू की फसल उगा रहे हैं।
तो इस वीडियो में आज हम इधर तक ही रखेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है ये आज की इस वीडियो में आप इसका आंसर जो है इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। आपको खुद से ये प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। ठीक है, तो बिजली की हेल्प से लोग जो है पंपिंग सेट्स वगैरह चला सकते थे। ठीक है, तो उससे उन अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है पांचवा प्रश्न, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 450 परिवार हैं उसमें भूमि किस तरह से वितरण होगी, कितनों के पास कितनी कितनी भूमि होगी। ठीक है, तो उसमें आपने देखा टोटल जो कुल भूमि है वो 200 हेक्टर है, और किस तरह से डिवाइड होगी ये आपको खुद सोचना है, डिवाइड करना है 450 परिवारों में। ये एक प्रश्न आप कर सकते हैं। अब आगे तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको करने ही हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में दूसरे प्रश्नों को भी कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक के पॉइंट जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आपके लिए बने तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।